नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं साबूदाने की खीर की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा सामान लगता है उसमें? गरी बुरादा लिया है और दो इलायची, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम हमने इनको कट कर लिया है, थोड़ी सी मलाई ली है और ये खोवा लिया है मावा, एक कटोरी चीनी और ये साबूदाना। चीनी स्वाद के हिसाब से ही डालें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाने को एक बाउल में डाल के इसे 2 से 3 बार साफ करना है। साबूदाने को अच्छे से साफ कर लिया है, पतीला लेंगे, उसमें साबूदाने को बनाएंगे। देखिए, ये हमने पतीला ले लिया है। अब हम इसमें जितना साबूदाना था, एक कटोरी हमारा साबूदाना था, हमने 2 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब पानी को थोड़ा थोड़ा खौल आने दें, इसके बाद इसमें साबूदाना डालें। पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं, देखिए। अब हम इसमें जो साफ किया हुआ साबूदाना रखा है उसको डालेंगे। इसको हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। साबूदाने को हमने पानी में खोलते हुए पानी में डाल दिया है, हल्का हल्का बबल्स आना शुरू हो गए थे पानी में। अब हम इसको 1 से 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे ही रखेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे, जो कि हमारा साबूदाना है वो चिपके नहीं तली में। इस तरह से इसको चलाते जाएंगे, इसको लगातार चलाते ही जाना है। 2 से 3 मिनट नहीं चलाएंगे तो ये तली में चिपक जाएगा, जलने का भी डर रहेगा। इस तरह से इसको चलाएं। देखिए, साबूदाना भी हमारा पकने लगा है, इसमें बबल्स आ गए हैं। साबूदाना कितने अच्छी तरह से पक रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको लो फ्लेम पे करना है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। मैं इस कप के हिसाब से दूध डाल रही हूं। इस कप के हिसाब से हमने 2 कप इसमें दूध डाल दिया है। ये देखिए हमारा कप, इसमें हमने 2 कप दूध डाला है। इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है मलाई तो नहीं भी डाल सके, मेरे पास थी तो मैंने इसमें मलाई भी डाल दी। इलायची डाल सकते हैं। मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, इलायची से अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने इसमें इलायची डाल दी है, इसको इस तरह से चलाते रहिए। यदि आपको इलायची पसंद नहीं है इलायची तो मत डालें इसमें इलायची, बट मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, मुझे तो इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार चीनी डालें। चीनी डाल दी है, इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट इसको इस तरह चलाना है लो फ्लेम पे। देखिए कितना गाढ़ा होता जा रहा है। ये बुरादा डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इसको लगातार चलाते रहेंगे, करीब 2 मिनट और चलाना है तो हमारी खीर बनके तैयार है। देखिए चम्मच को इस तरह से घुमाएंगे, काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है ये खीर। और साबूदाना की खीर है, ठंडे होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, खीर बनके तैयार हो गई है। आपके पास यदि ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो नहीं भी डालें, कोई ज़रूरी नहीं है ड्राई फ्रूट्स डालना ही डालना है। अब बगैर ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं और बगैर इलायची के भी। मावा डाल दिया है, तो इसको इस तरह ताकि जो मावा हमने डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कितनी अच्छी खीर बनी है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हमारी खीर बनके तैयार है। अब मैं इसको परोस के दिखाती हूँ। इसको थोड़ा पतला ही रखा है, यदि ठंडे होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। इस तरह से परोस के दिखा रही हूँ। खीर हमारी बन चुकी है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये झटपट से बन के रेडी हो गई है। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। आप बच्चों को इस तरह से बना के खिलाएं, ये बहुत हेल्दी भी होती है और आसानी से बन जाती है। खीर ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, तो आप इसे दूध डाल के थोड़ा पतला कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी लेकर के।
तब तक के लिए नमस्कार।